मानव भारती विश्वविद्यालय डिग्रियों के फर्जीवाड़े में एसआईटी परतें उधेड़ने में पूरी शिद्दत से लगी हुई हैं। ताजा घटनाक्रम में पुलिस ने मानव भारती विश्वविद्यालय में कार्यरत हरियाणा के रहने वाले एक कर्मचारी प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसआईटी की यह दूसरी गिरफ्तारी है। जानकारी के मुताबिक प्रमोद को पुलिस ने बुधवार को होली के दिन पूछताछ के लिए बुलाया। इसी बीच रात 10:30 बजे के आसपास उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस ने राजस्थान के माउंट आबू में माधव यूनिवर्सिटी में भी दबिश देकर दस्तावेज बरामद किए हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस यूनिवर्सिटी में मिले दस्तावेजों के तार मानव भारती विश्वविद्यालय में मिली डिग्रियों से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक माधव विश्वविद्यालय से कंप्यूटर भी जब्त किए गए हैं। संकेत मिल रहे हैं कि फर्जी डिग्रियों का खेल दोनों ही विश्वविद्यालयों से खेला जा रहा था। गौरतलब है कि एसआईटी ने पहली गिरफ्तारी में मानव भारती के सहायक रजिस्ट्रार को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक मानव भारती विश्वविद्यालय के चेयरमैन द्वारा ही मानव भारती यूनिवर्सिटी को संचालित किया जा रहा था। एक अन्य अंतिम जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार राणा सहित महिला रजिस्ट्रार ने जिला सत्र व न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका लगाई हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मानव भारती विश्वविद्यालय डिग्रियों के फर्जीवाड़े को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 2009 में प्राइवेट विश्वविद्यालय प्रदेश में आई थी। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय में किसी भी तरह की कार्यवाही न करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस फर्जीवाड़े के कारोबार पर अंकुश लगाया जाएगा और बंद किया जाएगा। 2009 से जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में एस्टेब्लिश हुई है, कुछ ने उसके बाद ये धंधा शुरू किया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लाना एक वक्त आवश्यकता अनुभव हुई होगी, लेकिन उनको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि ऐसा धंधा यहाँ पर ना चले। ये कमियाँ रही हैं और हमारी सरकार ने जैसे ये विषय ध्यान में आया है, 2017 में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, उनकी ही गवर्नमेंट के दौरान कंप्लेंट्स आई, उनने क्या कार्रवाई की? उनने तो कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई तो अब हुई है, हमने रेड किया है, बंद किया है, उनके सीज कर दिए सारे कॉम्प्लेक्स को और उसके बाद जो है गिरफ्तारियां उसमें हुई है और इसमें कोई नहीं बचने वाला। जो होंगे, ये धंधा वर्षों से चल रहा था, ये धंधे जो कांग्रेस के ज़माने में वर्षों से पनपते रहे, उनके ज़माने में शुरू हुए थे, इनको तमाम को बंद करेंगे, ये मैं कहता हूँ। वहीं उपायुक्त केसी चमन ने कहा कि मानव भारती विश्वविद्यालय के छात्र उनसे मिले थे। उन्होंने कहा कि एसआईटी का गठन एसपी अभिषेक यादव की अध्यक्षता में किया गया है और कार्यवाही जारी है। उन्होंने कहा कि जो छात्र रेगुलर पद पर रहे हैं और क्लासे लगा रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। हाँ, मानव भारती यूनिवर्सिटी का इशू आया था, कुछ बच्चों ने हमें एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें लिखा गया कि यहाँ पे कि डिग्रियों की जांच की जाए और हमारा अन्यंत्र यहाँ से शिफ्टिंग की जाए ताकि हमारा जो स्कॉलरशिप सेशन है वो ख़राब ना हो। जहाँ तक इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद एसआईटी एसपी साहब की अध्यक्षता में काम कर रही है, तह तक जाया जाएगा। अगर कोई ऐसा कोई तथ्य पाया जाए तो जो प्रावधान कानून के उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ ना, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पीआरटीवी के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।